हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी देश में एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। नरेंद्र मोदी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के कार्यक्रम के मुताबिक 30 मई को उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। उनके साथ कुछ और मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। मोदी ने इस पर पाकिस्तान को न्योता नहीं भेजा है। इसके बाद से ही राजनीति गर्मा गई है। इमरान को न बुलाने पर नवाज शरीफ की बेटी ने भी चुप्पी तोड़ दी है। मरियम नवाज ने बड़ा बयान दे दिया है। नरेंद्र मोदी ने इस पर पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया है, बल्कि इस पर बिम्स्टेक देशों के प्रतिनिधि उनको प्रधानमंत्री बनते देखेंगे। मोदी शपथ ग्रहण समारोह के अगले दिन इन देशों के प्रतिनिधियों से वार्ता भी करेंगे। पाकिस्तान को न बुलाने पर पाक विदेश मंत्री ने पहले ही बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव में पाकिस्तान विरोध का एजेंडा रखा, तो कैसे वो पाकिस्तान को बुला सकते हैं। खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने पीएम इमरान खान को मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में न बुलाने पर नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने चुप्पी तोड़ दी है और एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इमरान खान जब से पीएम बने हैं, पाकिस्तान में न कोई आना चाहता है और ना ही कोई उनको बुलाना चाहता है। मरियम नवाज ने आगे कहा कि इमरान को कोई देश इसलिए नहीं बुलाता है कि वो कहीं उनसे पैसे न मांग ले। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नवाज शरीफ की बेटी का कहना कितना सही है, कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, हमारे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप ना होते तो हम भी ना होते।